हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अविघ्न फूड कुक में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। यदि आपको पालक पनीर पसंद है तो आप मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर करें। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का और सब बटन क्लिक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पालक पनीर बनाने के लिए हमको सामग्री चाहिए 500 ग्राम पालक, जो हमने पहले से ही छांट कर और धो के रखी हुई है, 300 ग्राम पनीर, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 8-10 कली लहसुन, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, पनीर फॉर गार्निशिंग, 2 चिली, ग्रीन चिली, 1 मीडियम साइज ऑनियन, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, मिर्च स्वाद अनुसार, और ये है धनिया, ये स्वाद अनुसार, ऑयल फॉर ऑयल मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है। मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ जिससे सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। काला नमक फॉर टेस्ट। गैस को ऑफ करेंगे। अब इसको हम थोड़ी सी देर पानी को बॉयल करेंगे। जब तक पानी बॉयल हो रहा है तब तक हम प्याज और लहसुन को पीस लेते हैं। लहसुन डालेंगे, फिर हम इसमें ये प्याज डालेंगे कटा हुआ, जो मैंने पहले से ही काट के रखा हुआ है। अब हम इसको प्याज और लहसुन पीस के तैयार है। इसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। देखिए, प्याज और लहसुन का मैंने ये पेस्ट तैयार इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम टमाटर और हरी मिर्च अदरक को भी जार में डालकर पीस लेंगे। अदरक को हम जार में डाल देंगे। अब हम ये मैंने जो कटी हुई मिर्च रखी इसको भी हम जार में डाल रहे हैं। अब टमाटर को भी जार में हम काट कर डाल देंगे। देखिए, हमारा पानी बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें ये धुली हुई साफ की हुई पालक डाल देंगे। देखिए, हमने इसमें पालक डाल दी है। अब हम इसे केवल 2-3 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। बस हमें इसको थोड़ा सा ही बॉयल करना है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। जब तक हमारी पालक बॉयल हो रही है तब तक हम ये टमाटर, मिर्च और अदरक का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमारा ये पेस्ट अब तैयार है। इसको हम एक किसी बाउल में निकाल के अलग रख लेंगे। इसको हम इसमें बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए, 2 मिनट बाद ही हमारी पालक पूरी तरीके से पक चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसको बाउल से बाहर निकाल लेंगे जिससे ये ज़्यादा पकती हुई ना रहे। ज़्यादा पक जाती है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के ठंडा कर लेंगे जिससे कि ये पके नहीं और नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। अब इसको हम जार में डाल लें, पीसने के जार में डाल लेंगे। देखिए, मैंने इस तरह से इसको डाल दिया है। देखिए, इसको मैंने जार में डाल दिया है। अब हम इसमें बिना पानी के ही पीसेंगे। तैयार है हमारी पालक, पीसकर तैयार है। देखिए कितना फाइन और स्मूथ पेस्ट तैयार हुआ है। अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। अब हमारा क्या मचा है कि अब इसे हम पकाएंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसको गरम करेंगे।
जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि पालक पनीर बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरा दो चम्मच मस्टर्ड ऑयल है, ये देखिए, बस हमें इतना ही यूज करना है। अभी हमारा तेल तैयार नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी देर में ये तैयार हो जाएगा। जब ये तेल तैयार हो जाएगा तो गरम दिखाई देने लगेगा, अपना हाथ करने पर ये गरम महसूस होगा। हाँ, ऑयल गरम, इस समय देखिए ऑयल गरम हो चुका है। अब हम सबसे पहले इसमें जीरा डालेंगे, फिर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी धनिया पाउडर डालेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जो हमने पहले से इसका पेस्ट प्याज लहसुन का तैयार किया हुआ है, इसको हम इसमें डाल देंगे। देखिए इसमें अच्छी तरह से ये पक रहा है। देखिए हमारे प्याज लहसुन का पेस्ट बनके तैयार है। अब हम इसमें ये टमाटर की जो मैंने प्यूरी टमाटर, अदरक और हरी मिर्च की प्यूरी तैयार की थी, इसमें मिला देंगे। इसको इसी तरह से भूनते जाना है तब तक ये तेल ना छोड़ दे। अच्छी तरह से भुनेगा, जितना अच्छी तरह से भुनेगा उतना ही ज़्यादा टेस्ट उभर कर आएगा। देखिए पकने लगाएंगे, इसको हमें इसी तरह से दो तीन मिनट तक भूनना है। देखिए हमारा मसाला पिसकर भुनकर तैयार है, जो हमने इसमें पिसा हुआ मसाला डाला था, अब ये भुनकर तैयार है। अब इसमें हम पालक, पिसा हुआ पालक को मिला देंगे, जो हमने पहले से ही पीस के रखा हुआ है, इसको हम मिला देंगे और इसे एक दो मिनट के लिए और भूनेंगे। देखिए हमारा पालक इस तरह से भुन रहा है, और इसे अब हम इस तरह से दो तीन मिनट के लिए चलाते रहेंगे। जब ये पालक भी इसमें अच्छी तरह से भुन जाएगी तो टेस्ट अच्छा आएगा। देखिए पालक अच्छी तरह से इसमें बॉयल हो रही है। अब इसमें हम नमक मिलाएंगे, नमक स्वाद अनुसार मिलाना है। नमक स्वाद अनुसार मिलाना है टेस्ट को और डेवलप करने के लिए। इसे हम थोड़ा सा काला नमक भी मिक्स करेंगे। हमारे पालक का मिश्रण तैयार है, अब हम इसमें पालक मिक्स करें। पालक के मिश्रण में हमने पनीर मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ये गरम मसाला भी मिला देंगे। देखिए हमारे पालक तैयार है, इसमें बुलबुले उठने लगे। हमारी पालक अब सर्व करने के लिए तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब देखिए इसे हम सर्व करने के लिए इसके बाउल में डाल रहे हैं। अब इसे हम, जो हमने पहले टुकड़ा गार्निशिंग के लिए बस पनीर का बचा के रखा हुआ था, उससे गार्निश कर देंगे। हमारा पालक पनीर तैयार हो चुका है।